सबसे पहले आ गया हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मैम. हाँ जी मैम. मैम बोलो. ये नहीं हूँ, बोल दो डिस्टर्ब नहीं करे क्लास को आज. क्या कल भी डिस्टर्ब कर रहे थे क्लास को, आज डिस्टर्ब ना करे, इनको बोल दो. क्या बोल कौन डिस्टर्ब? ये कुणाल तुम साइलेंट रहो. मैम मैसेज क्लास में आपको कोई डिस्कस नहीं करना है, अपनी वॉल्यूम को म्यूट रखें. अंकित यादव. मैम ये गिरिराज मैसेज करता रहता है. ये गिरिराज मैसेज करता रहता है. अंकित यादव, लक्की मीणा, रोशन, ये म्यूट करो सब अपने आप को. एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करेगा. पायल, सब म्यूट रखेंगे अपने आप को. कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करेगा, ध्यान रखें. समझ आ गया ना सबको? एक्सक्यूज मी मैम, कल हमने क्या पढ़ा था? मैम एक मिनट रुको. मैम हाँ जी बोलो. मैम एक मिनट रुको, अंशिका की क्लास की आ रही. आवाज नहीं आ रही मैम? अंशिका नहीं है क्लास में, एक मिनट रुको. ओके ओके आ जाएगी, सुन लो आप. तो देखो हमने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा था. इसमें बेटा मैंने आपको समझाया था एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है, पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है. हमने सीखा एक्टिव वॉइस, व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस, कैसे हम इसको चेंज करते हैं, क्या इसके रूल्स होते हैं, हमने सब जाना. पता है ना सबको? ये रोशनी अपनी आवाज बंद करो. यस मैम. वॉल्यूम को म्यूट करो बेटा. यस मैम कर लिया. करो, नहीं हुई. आप सुनो मेरी बात. हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स थे, गोल्डन रूल्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो भी हमने पढ़े थे. आई बात समझ में? कोई पढ़ा था तो देखो क्या रूल्स बताए थे. जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को किसके स्थान पे रखेंगे? ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे बच्चों? हम सब्जेक्ट. ओके. सेकंड आपका सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है. यानी फर्स्ट है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे. उसके बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म. क्या था? जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करेंगे तो जो नया जो ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले हम बी वाई बाय का यूज करेंगे. मम्मा. यस मैम. ये आवाज नहीं, अपने आप को म्यूट रखो. पायल म्यूट करो, तुम्हारी आवाज क्लास को डिस्टर्ब कर रही है. म्यूट रखोगे सब अपने आप को, कोई भी आवाज नहीं करेगा. फोर्थ रूल क्या था? जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, जो हम न्यू ऑब्जेक्ट, जो भी हम न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले किसका यूज होगा? बाय का यूज होगा. किसका यूज होगा? बाय का यूज होगा. बाय का. समझ में? तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट. सेकेंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म. फोर्थ, और जो नया जो ऑब्जेक्ट बनेगा एक्टिव से पैसिव वॉइस में, जब हम लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना उससे पहले हम बाय का यूज करेंगे. बात समझ में आ गई? यस मैम.
और जब भी हमें yes, कोई भी मॉडल मिलेगा, जब भी हमें कोई भी मॉडल्स मिलेंगे तो उसके साथ में बीईबी का यूज करना है, चाहे वो वेन शेल कुड मे माइट शुड वुड कुछ भी हो, कोई भी मॉडल हो उसके साथ में हमें बी का यूज करना है, बी का यूज करना है, मॉडल्स के प्लस में बीईबी का यूज करना है। आगे बात समझ में? आप कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। कोई प्रॉब्लम मैम? नो। ओके, अब उसके बाद में देखिए एक सेंटेंस में आपको देती हूँ। मैंने सिंपल सा सेंटेंस बनाया था चेंज करने के लिए। उससे पहले चलो हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ओके, देखो अकॉर्डिंग टू टेंस एक्टिव चेंज एक्टिव वॉइस इंटू पैसिव वॉइस। अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज एक्टिव वॉइस इंटू पैसिव वॉइस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि हम टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहला अपना टेंस है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल है ना, बताओ मेरे को। यस मैम। प्रेजेंट सिंपल में बच्चों बताओ क्या हेल्पिंग वर्ब मिल, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है और क्या मेन वर्ब होती है, बताओ। मैं टेंस सीखे ना, बोलो बेटा। Yes. फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ये होती है ना, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस मैम। तो हम किस में चेंज करते हैं इसको, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे ही चेंज करते हैं ना रूल नंबर फर्स्ट, बताओ ऐसे। यस मैम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस को किस में चेंज करते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ऐसे चेंज करते हैं ना। अब उसके बाद में पैटर्न लिखो इसका, पैटर्न हमें सेंटेंस कैसे मिलेगा। सबसे पहले एक्टिव का, एक्टिव वॉइस में हमें सेंटेंस कैसे मिलेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें कैसे मिलेगा, सबसे पहले तो हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा ना। उसके बाद में हमें क्या मिलेगी, उसके बाद में हमें मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस प्लस में ऑब्जेक्ट, ये मिलेगा ना। यस मैम। ऐसे ही मिलेगा, इसी सीक्वेंस में मिलेगा पैटर्न में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ए यस प्लस में प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे मिलेगा। तो देखो इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, वो देखो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे इसको, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ गया ना, यहाँ पे आ गया, बताओ मेरे को, बोलो बेटा। यस मैम। उसके बाद में, यस मैम, उसके बाद में इज एम आर, इज एम आर में से कोई भी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट था वो कहाँ पे चला गया, ऑब्जेक्ट के पास। आ गई बात समझ में, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया ना, सब्जेक्ट किसके प्लेस पे चला गया, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट किसके प्लेस पे चला गया, सब्जेक्ट के प्लेस पे। बात समझ आ गई? यस मैम। नहीं समझ आया? यस मैम, आ गई समझ में। देखो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए यस होती है। अपना जो फर्स्ट रूल था मैंने कल आपको टेबल करवाई थी, बताओ टेबल लिखवाई थी मैंने कल आपको। यस मैम। तो देखो टेबल लिखवाई थी, उसमें बताया था मैंने जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ए यस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको जब भी मिलेगा आप इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बताया था ना, बताया था। उसके बाद में पैटर्न, सबसे पहले मैंने एक्टिव वॉइस,
एक्टिव वॉइस मैंने लिखा, एक्टिव वॉइस में हमें सेंटेंस कैसे मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस प्लस में ऑब्जेक्ट, ऐसे मिलेगा ना। हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे है ना, ऑब्जेक्ट को पुट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। और सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यस मैम। फिर देखो उसके बाद में हम एग्जांपल लेते हैं इसके नीचे ही, ही राइट्स ए लेटर। हमने ये एग्जांपल ले लिया, हम कैसे चेंज करेंगे इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो देखो ध्यान से, ही क्या है यहाँ पे, इसका ही एग्जांपल है इसी टेंस का, ही क्या है सब्जेक्ट, राइट्स क्या है मेन वर्ब, ये लेटर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, ए लेटर स्थान पे रखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे ना। अब देखो इसमें हमने पैसिव को इसमें सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना होता है, बाय लगाना होता है ना, जो ऑब्जेक्ट बनता है न्यू, बाय भी तो लगाते हैं, बाय सब्जेक्ट आएगा, किसी ने बताया भी नहीं, ऑब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय फिर आता है वो जो सब्जेक्ट है ना वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, उससे पहले क्या आ जाता है बाय आ जाता है। आगे बात समझ में, तो देखो ऑब्जेक्ट सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, इसको किसके स्थान पे लिखेंगे, सब्जेक्ट के जगह लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर, तो देखो ए लेटर क्या आएगा, ए लेटर इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, इज लेटर इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न, 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 रिटर्न बाय, रिटर्न बाय, ई का किस में चेंज कर देंगे, हिम, 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 मैंने कल ही लिखवाया था, शी का हर में, ई का हिम में, बी का अस में, यू का यू, दे का देम, हु का हुम, नेम का नेम, आ गई बात समझ में, और इट का इट, ओके। ये बताओ प्रेजेंट सिंपल का रूल समझ आया, कैसे चेंज करना है, पैटर्न समझ में आया, yes, आपको सेंटेंस कैसे मिलेगा, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, और एग्जांपल समझ आया, यस मैम, यस मैम, सब समझ में आ गया ना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम, यस मैम, इस टेंस में कोई प्रॉब्लम है, ओके। अब आगे देखो अगला है आपका कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्या आपको नोट्स में मिल जाएंगी, सेकंड आपका प्रेजेंट Continuous tense. ठीक है? इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो कैसे चेंज करेंगे हम इसको, इज एम आर प्लस बी आई एन जी बींग, मैंने बताया था जब भी आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी मिलेगा तो आपको बी आई एन जी बींग लगाना होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे बात समझ में, इज एम आर प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो उसके बाद में हम पैटर्न कैसे लिखेंगे इसका, सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, क्या मिलेगा सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद में हमें इज एम आर प्लस एक्टिव का पैटर्न है बेटा, ये एक्टिव का, कंफ्यूज नहीं होना है, किसका पैटर्न है ये, एक्टिव में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस आपको एक्टिव में ऐसे मिलेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर इज एम आर में से कुछ आपको हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी, और फिर आपको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, आ गई बात समझ में अच्छे से, यस मैम, तो ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। अब देखो कैसे चेंज करेंगे हम इसको पैसिव वॉइस में। पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे इसको वो देखना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह। हाँ सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर क्या आएगा बीइंग, बी आई एन जी बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस में सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है आ गई बात समझ में। ऑब्जेक्ट इज एम आर, ये सोनू यस मैम वीडियो क्लोज करो। ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस में सब्जेक्ट, समझ आ रहा है ना? यस मैम यस मैम। अंकित अब देखो उसके बाद में हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने सेंटेंस उठा लिया, देखो ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर, बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, बोलो। ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है ना। सबसे पहले इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या है मेन वर्ब, ए लेटर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। तो देखो कैसे चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को, क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ए लेटर, ए लेटर फिर इज, ए लेटर इज, ए लेटर इज, ए लेटर इज सिंगुलर है ना, ए लेटर एक ही तो है, तो इज बीइंग, आई एन जी, तो हम क्या लगाएंगे बीइंग। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन बाय हिम, बाय हिम, हिम। अगली बात समझ में, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ओके ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई तो आपको इज एम आर प्लस बीइंग आईएनजी जब भी मिलता है वहां पे बीइंग लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके अब देखो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय him, बन गया ना सेंटेंस, he is writing a letter, तो क्या बना, a letter is being written by him, आ गई बात समझ में? Yes ma'am. Okay, तो अब देखो आगे, second, third आपका, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या मिलेगा आपको पहले मेरे को ये बताओ, क्या मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट में? हैज हैव, हैज हैव, हैव हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये पहले से मिलेगा। तो आपको मैंने बताया था एक चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, जब भी आपको has, have या had ये चीजें मिलती हैं, ये तीनों helping verb मिलती हैं, तो हमेशा वहां verb की कौन सी form मिलेगी आपको, third form मिलेगी, कौन सी form मिलेगी, third form मिलेगी। जहाँ भी आपको has, have, had ये मिलते हैं तो वहां आपको verb की third form मिलेगी। और हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। आ गई बात समझ में? यस मैम। अब देखो उसके बाद यहाँ पे कैसे चेंज होगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की,
आ गई बात समझ में? Has, have, verb की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे has, have plus been plus verb की थर्ड फॉर्म. आयुष शर्मा वीडियो क्लोज करो अपना. पायल म्यूट करो बेटा अपने आपको, म्यूट करो. पैटर्न देखो चलो इसका. अब एक्टिव में आपको कैसे पैटर्न मिलेगा इसका सेंटेंस का? सबसे पहले मिलेगा आपको सब्जेक्ट, फिर मिलेगी आपको हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये मिलेगा? यस मैम. ये मिलेगा ना. कैसे चेंज करेंगे हम इसको पैसिव वॉइस में? ये पायल म्यूट करो, अपनी वॉल्यूम को क्लोज करो, वॉल्यूम को ऑफ करो. सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट. तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट. ठीक है. इसके बाद में हैज और हैव. ठीक है. फिर बीन, बी डबल एन बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज. हमें जो जो मिली है वो की वो ऑब्जेक्ट हैज है और बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट. सॉरी सब्जेक्ट सब्जेक्ट. आगे बात समझ में? ऑब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस में सब्जेक्ट. अब उसके बाद देखो हम सेंटेंस लेते हैं. ही हैज रिटर्न ए लेटर. ही हैज रिटर्न ए लेटर. यहाँ पे देखो राइट की थर्ड फॉर्म है या नहीं है बताओ मेरे को? गलत. थर्ड फॉर्म है आपका? यस मैम. नहीं है और हैज है मिला है तो आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट. हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी है. योग की होम हैज एवर मिल गया है हमें पता चल गया और हमें बी डब्ल्यू एन बी लगाना है. आ गई बात समझ में? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए लेटर. ए लेटर क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? एक है सिंगुलर. हैज की थर्ड फॉर्म लेटर एज इट इज हैज बीन. हैज बीन. ओके ओके. हैज बीन राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय रिटर्न बाय हिम. के का किसमें चेंज कर देंगे? हिम में. हिम. आ गई बात समझ में? ए लेटर हैज बीन रिटर्न बाय हिम. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ आ गया सबको अच्छे से? यस मैम. कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम. बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब उसके बाद में है पांच सिंपल. क्या आपको नोट्स मिलेंगे? इरेज कर दूं? के बाद में है आपका. अब जो फोर्थ टेंस है कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. मैंने बताया था ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता. चार ऐसे टेंस है जो कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते. पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तीसरा है फ्यूचर कंटिन्यूस और फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. ये चार ऐसे टेंस हैं जो कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते. ओनली एट ही टेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं. आ गई बात समझ में सबको? तो फोर्थ वाला था अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चेंज नहीं होगा. ओके. अब देखो उसके बाद में पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलती है? सेकेंड फॉर्म. कौन सी फॉर्म? यस मैम. सेकेंड फॉर्म. सेकेंड फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म. वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में किसमें चेंज करते हैं हम इसको? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. पैटर्न देखो इसका पैटर्न क्या है. एक्टिव वॉइस में देखना एक्टिव में पैटर्न क्या है इसका. सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट.
प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेगी प्लस में ऑब्जेक्ट, ये मिलेगा ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखो पैसिव वॉइस में क्या चेंज करेंगे हम, इसको क्या चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म में तो आपको क्या करना होगा, वॉज या वर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में बाय प्लस में सब्जेक्ट। मैम इसमें बीन नहीं आएगा क्या, बीन कैसे आएगा इसमें, ये क्या, ये तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही है, सेकेंड फॉर्म होता है तो वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो आती है। यहाँ पे अगर वॉज या वर मिलेगा तुम्हें, वॉज या वर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी मिलता है ना, तब बीन आता है, बी ई आई एन जी बींग आता है, तब क्या आता है, बींग आता है, ऐसे नहीं आता। ओके ऐसे बींग नहीं yes, मिलेगा, कब मिलेगा, जब यहाँ पे वॉज वर प्लस आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी आएगा ना, तब हमें बीन बींग करना होगा, बी ई आई एन जी बींग। अब देखो पैसिव वॉइस, इसका सेंटेंस देखना, सेंटेंस बनाते हैं इसका, एग्जाम्पल देखो, ही रॉट ए लेटर, राइट की सेकेंड फॉर्म राइट रॉट रिटर्न, तो ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकेंड फॉर्म, तो देखो हमें सेकेंड फॉर्म मिलती है तो ये चेंज ऐसे चेंज करना होगा हमें, तो सबसे पहले ही क्या है बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट, रॉट क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ए लेटर क्या है ऑब्जेक्ट, देखो सबसे पहले ए लेटर को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ए लेटर चेंज करेंगे ना इसमें, ए लेटर इसके बाद में वॉज या वर में से क्या आएगा, क्या आएगा वॉज, सिंगुलर है ना इसलिए, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न रिटर्न बाय ही का किस में चेंज कर देंगे, हिम हिम में, हिम में। आ गई बात समझ में, yes, ये समझ आ गया क्या अच्छे से, अब yes, बता दो किसी को कोई प्रॉब्लम है।